सुकमा विधायक सुनील सराफ लॉकडाउन के समय पर भी ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण में लगातार व्यस्त हैं। वे लगातार ग्रामीणों की मदद करना, राशन बांटना व ग्रामीण अंचल को सैनिटाइज करने में भी व्यस्त हैं। लॉकडाउन की स्थिति के बाद भी कोतमा विधायक सुनील सराफ लगातार ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने पर लगे हुए हैं और जरूरतमंद लोगों को राशन और भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि मैं गांव पर घूमकर लोगों की स्थितियों का जायजा नहीं लूँगा तो आखिर उनकी स्थितियों को सुधारने के लिए उनके पास कौन जाएगा। यही कारण है कि वह लगातार क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर उन्हें मदद करने का प्रयास भी कर रहे हैं, साथ ही गांव-गांव को सैनिटाइज करने के लिए अपने अमले को लगाकर हर घर को सैनिटाइज करने का भी प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही वह हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को राशन और भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध करवा रहे हैं। हालांकि यह व्यवस्था केवल वर्तमान विधायक सुनील सराफ जी के द्वारा ही नहीं बल्कि पूर्व कोतमा विधायक मनोज अग्रवाल के द्वारा भी लगातार गांव-गांव अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर गरीब परिवारों को राशन देने की व्यवस्था उन्हें दी जा रही है और यह कार्य लगभग एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है, जबकि मनोज अग्रवाल जी राशन की व्यवस्था गरीब परिवारों के लिए लगातार करवा रहे हैं।